देखो नायरा मेरा हिस्टल करेगी रास्ते में, करने को कुछ नहीं है तो नायरा मेरा हिस्टल ही करेगी, है नायरा? क्योंकि यहाँ पर नायरा और मैं रोटी नहीं खा सकते। पार्थ को भी चाय दे दी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नायरा एंड पार्थ व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और हम सुबह सुबह जल्दी उठ के तैयार वगैरह हो चुके हैं और हम होटल को कर रहे हैं अलविदा। होटल छोड़ के हम जा रहे हैं दरगाह शरीफ पे मत्था टेकने के लिए। तो सब लोग नीचे उतर चुके हैं, गाड़ी में सामान रख चुके हैं, बस मैं बैग को चैन लगा के मैं भी उतर रही हूँ। तो सोचा आपसे बात कर लूँ, तो मिलते हैं आपको रास्ते में फिर। तो गाइज, हम पहुँच गए हैं दरगाह शरीफ पे और ये रहा सुबह का वक्त के टाइम का नज़ारा। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, रास्ते अंधेरा दिख रहा है आपको, और ये है दरगाह शरीफ। और अभी भीड़ भी कम है क्योंकि सुबह सुबह बहुत जल्दी का टाइम हो रहा है। तो आपको अंदर जाके फिर मिलते हैं आपसे, और शायद अंदर कैमरा ले जाना मना होगा तो इसलिए हम बाहर से ही रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको। तो गाइस, ये रहा दरगाह शरीफ का नज़ारा, ये उनकी गुंबद बनी हुई है और यहाँ का आसपास का मैं आपको हाल बता देती हूँ। अंदर दुकानें वगैरह लगी हुई हैं, अंदर भी हैं बाहर भी हैं। यहाँ सब बैठ के दुआ विनती कर रहे हैं अपनी, जिनको नमाज पढ़नी है नमाज पढ़ रहे हैं, जिनको दुआ करनी है दुआ कर रहे हैं। ये औरतों के लिए जगह बनी हुई है यहाँ पर, यहाँ धागे वगैरह बांधे जाते हैं दुआ करने के लिए अपनी, जो कि मन्नत है तो धागा बांधा जाता है यहाँ पर। तो गाइस, आप मेरे पीछे देखेंगे मार्केट, ये मार्केट है, मार्केट में एक दरगाह है, पीछे आपको दिख रही होगी, और साथ में नायरा। नायरा, नानू तो है, नानू गुम हो गए थे ऐसा लगा, इस नानू ने प्रैंक कर दिया हमारे साथ, नानू गुम हो गए, और यहाँ पर नानू भी है हमारे साथ। ये सरप्राइज था आप लोगों के लिए गाइस, मैं आपको मिलाती हूँ अभी सबसे। तो गाइस, यहाँ पर है भाई और साथ में पार्क, और ये लोग, ये था आप लोगों के लिए प्रैंक कि सब लोग हमारे साथ आए हैं, सरप्राइज था हमारी तरफ से। हम लोग जा रहे हैं मतलब टेक के वापस होटल पे। पार देख रहा है, पार देख रहा है, पार सारा दिन कैमरे ही देखते हैं। तो हम जा रहे हैं, बहन और छोटा भाई नहीं आए, आगे हम सब आए, अब जा रहे हैं वापस होटल और होटल से सामान उठाएंगे और गाड़ी करेंगे और फिर चले जाएंगे पार्क को लेकर। मम्मी लोग जाएंगे कल, कल आज शाम की ट्रेन है ना? हाँ, आज शाम की ट्रेन है और हम सुबह निकल जाएंगे थोड़ी देर में, घंटे दो घंटे में। दोस्तों यहाँ से फ्री हो चुके हैं। तो गाइस, यहाँ पर नायरा खा रही है चिप्स, सुबह सुबह चिप्स ही खा रही है नायरा, और हम लोग जा रहे हैं होटल वापस। सब है पीछे मेरे, जो पीछे दिख रहे होंगे आते हुए, कार को पकड़ के आ रहे हैं। नायरा को लग रही है मिर्च, नायरा मिर्च लग रही है ना, झूठी मिर्च लग रही है। और ये आसपास से मार्केट आधी बंद है, आधी दुकानें खुल चुकी हैं। मार्केट के अंदर ही दरगाह, जो लोग आ चुके हैं वो समझते हैं चीज़ को, वो जानते हैं। तो गाइस, हम लोग फ्री होके निकल पड़े हैं वापसी अपने घर के लिए, पलवल के लिए। तो गाइस, जिसने हमारा ब्लॉग नहीं देखा कल वाला, वो ज़रूर देखें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि आपको ब्लॉग कैसा लगा, और आपको ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग आगे मिलते रहेंगे। उसके लिए हमारे ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। गाइस, ये देखिए पार्थ का हाथी, पार्थ सो चुका है और इसका एलिफेंट, और उसका एलिफेंट जा रहा है ट्रक के अंदर, ट्रक बोलते हैं ना इसको, ट्रक के अंदर जा रहा है। इसको कुछ करेंगे, खाना ना, क्या कहाँ ले जाएंगे इसको। ये देखो पार्थ का हाथी, और मेरा पार्थ यहाँ सो गया है, पार्थ सो गया। और यहाँ पर बहुत तेज नींद आ रही थी मेरे को भी, ये तो वीडियो में लेने के लिए मेरे आवाज मार के उठाया गया है मेरे को, इन दो आदमियों की बदौलत। बड़ा हाथी दिख नहीं रहा, ऊपर से दिख रहा ट्रक में, इन दो आदमी मुझे मिल गए, उठाया है, उठो उठो हाथी आ गया, हाथी आ गया जंगल में। अब बाहर धूप निकल रही है बहुत तेज, दिन हो गए, सुबह हुई है, सुबह का टाइम हो रहा है, 10:30 है, अति तेज धूप है। और यहाँ हमने अपना देसी जुगाड़ कर लिया है, कपड़े को खिड़की में डाल के खिड़की बंद करी, और ये आगे छाया हमारे पास, धूप का नामो निशान नहीं होगा। इस रास्ता चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है, और हम बैठ ही जा रहे हैं, बैठ ही जा रहे हैं, बैठ ही जा रहे हैं। जाने के टाइम पे पता नहीं चला, अब आने के टाइम पे ज्यादा फील हो रहा है। ये गाड़ी हुई है, और यहाँ पर एक दिखाओ मंकी जा रहा है दुकान के ऊपर, कहाँ गया, कहाँ गया, वो रहा वो रहा वो रहा वो रहा, मंकी जा रहा है धीरे धीरे करके। और यहाँ पर देखो ये क्या चीज है, ये मंदिर है ना,
मंदिर के आगे शिव जी जी की भी ये मूर्ति और हनुमान जी की मूर्ति, इतनी बड़ी मूर्ति बनी हुई है। ट्रैफिक कितना हो रहा है, ट्रैफिक हो रहा है बहुत ज्यादा, रास्ता हो रहा है खराब और हम हो रहे हैं बोर। हम यहाँ बोर हो जा रहे हैं, लेकिन मजा भी आ रहा है ट्रैवलिंग करने में, जाने में, थके जाने में, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, और जो कि जरूरी काम करते हैं हम लोग आए थे जा रहे हैं घर। देखो शाम हो जाएगी पहुँचते पहुँचते, हम लोग बोर हो रहे हैं, तो आप सबसे बात ही कर लूँ, क्या बात करूँ, इसमें नहीं आ रहा। लेकिन आप ब्लॉग को पसंद करो भाई, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, तभी तो ब्लॉग बनाने में मज़ा आएगा। और कैसे मज़ा आएगा, ब्लॉग देखना है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको, अपनी फैमिली के साथ में, या बच्चों को दिखाओ हमारे ब्लॉग, फैमिली ब्लॉग्स हैं हमारे, एंटरटेन करेंगे आपके बच्चों को हमारे ब्लॉग्स। नैरा सब उठ चुकी है और पता नहीं क्या क्या मांगी जा रही है, कुछ मांग रही है, थैली मांग रही है, प्रसाद की आ रही है, ये तो दे सारा मांग रही है थैली, जिसके अंदर है प्रसाद, जो कि हम ब्रह्मा जी के मंदिर से लेके आए थे, इसको अपने पास रख के बैठना है इसको, पता नहीं ऐसा क्या चीज़ है जो हमें देने में इसको वो हो रही है। ये देखो नायरा मेरा रजिस्टर करेगी रास्ते में, करने को कुछ नहीं है तो नायरा मेरा रजिस्टर ही करेगी, है नायरा, क्योंकि यहाँ पर नायरा में रोटी नहीं बना सकते, नायरा में यहाँ रोटी सब्जी नहीं बना सकते। तो गाइज कोई तो जगह है जहाँ हम रुके हैं, शर्मा टी स्टॉल नाम की कोई शॉप है, वहाँ रुके हैं और वहीं से कुछ लेके आ रहे हैं, ये शायद कोल्ड ड्रिंक और चिप्स, बस कुछ और मिला ही नहीं। इसके पापा और चाचा ले आए हैं कोल्ड ड्रिंक और कुछ यहाँ है नहीं इस दुकान पे, आगे कहीं देखते हैं कुछ छोले कुलचे या पूड़ी झोल कुछ मिले खाने के लिए। और ये डल गई है कोल्ड ड्रिंक, और वहाँ हो रही है इंजन की सर्विस या कुछ देखभाल, क्योंकि रास्ते में कोई दिक्कत ना हो जाए। और ये आ गई कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि धूप बहुत तेज है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, घर में बिल्कुल सोचा ही नहीं था हमने कि हम कोल्ड ड्रिंक भी पियेंगे। हाँ ले ली, दे दी छोरी को। तो गाइस ढाबे पे रुके हैं खाना खाने के लिए और ऑर्डर किया है दाल रोटी और कड़ी, जिसमें सिर्फ एक ही पकौड़ा दिया है, पकौड़ा दिया है बड़ा, लेकिन दिया एक ही पकौड़ा है। और खाने के लिए सब बैठे हैं यहाँ पर, क्योंकि सबको भूख लग रही है, हम तो बैठे हैं मंजी पे, मंजी मीन्स फोल्डिंग पे, चारपाई पे, और ये खाना खाएंगे। पार्थ उठ गैस हो के, अब खाना वाना खाएंगे फिर आगे निकलेंगे। गाड़ी मस्ती कर रहे हैं, सोने का कोई नाम नहीं ले रहे हैं। देखो पार्थ की हरकत, पार्थ वैसे कैसे लगा हुआ है जैसे घर में लगा रहता है। और हम एक डेढ़ घंटे पहुंच जाएंगे अपने घर, है ना नायरा? नायरा यहाँ पर खेल रही है, पता क्या ढूंढ रही है सामान। और बाल देखो नायरा के कैसे हो गए, तेज हवा चल रही है, शीशे खोल रखे, जाना भी है यहाँ पर। तो गाइस हम लोग घर आ चुके हैं, जो कि आप देख रहे हो मेरे पीछे, आपको घर का बैकग्राउंड दिख रहा होगा। तो हम लोग घर आ चुके हैं शाम को 6 बजे, और बड़ी थकावट महसूस हो रही है, उस टाइम पे पता नहीं चला, अब पता चल रहा है। और नायरा और पार्थ दोनों सो रहे थे जब हम लोग उतरे गाड़ी से, लेकिन नायरा अभी भी सो रही है और पार्थ सो के उठ चुका है, और वही अपने सेम रूटीन पे लग चुका है घर आके। ये पार्थ सेम रूटीन पे वही मस्ती करने लग गया है, और यहाँ सो रही है नायरा, और हम मैंने चाय वगैरह बना के पी ली है, भाई को पार्थ को भी चाय दे दी है। तो गाइस हम लोग अजमेर शरीफ से वापस घर आ चुके हैं, और इस वक्त रात के 10 बज रहे हैं और सब सो चुके हैं बच्चे, तो मैंने सोचा मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ वरना और लेट हो जाएगा। तो गाइस आज का ब्लॉग बस इतना ही था, हमने एक दिन में जितना हम कवर कर सके हमने उतना कवर किया, जितना पॉसिबल हुआ हम उतना घूमे और उतना कवर किया। तो दरगाह शरीफ की मैंने वीडियोज कम निकाली है, कम करी है, क्योंकि ऐसी जगह पे जाके एक दिल नहीं मानता कि हम कैमरा लेके घूमते रहे, मतलब हर जगह जितना मेरा मन था जितना मेरे से हुआ उतना मैंने इतना रिकॉर्ड किया और ब्लॉग में डाला है। और अगर आगे कभी जाना हुआ तो कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा दरगाह शरीफ की चीज़ों को दिखा सकूं ब्लॉग के अंदर, जितना मेरा मन माना उतना मैंने किया, जिस काम के लिए पहले मैं गई थी वो काम मैंने अपना पूरा किया है। और मतलब बहुत अच्छा लगा वहाँ पर जाके, और बहुत सुकून मिलता है, जो लोग जानते हैं जो लोग मानते हैं इन चीज़ों को वो विश्वास करेंगे, बाकी सब बराबर होते हैं, जिसकी जिसमें आस्था होती है वो सबसे अच्छा अच्छी चीज़ वही होता है। तो किसी के लिए बुरा बोलना किसी के लिए बुरा सोचना मतलब सबसे बेकार चीज़ है दुनिया की। दुनिया में सबको बराबर सबको एक तरीके से देखना चाहिए, चाहे कोई भी हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी इंसान हो, किसी भी तरीके का हो, कुछ भी हो, मतलब सब कुछ आखिरत सबकी एक ही जगह पे होती है, वो सबको पता है वो चीज़। तो इंसानियत फैलानी चाहिए हर जगह पे। और जो तो गाइस जिसको ब्लॉग अच्छा लगे वो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, मेरे फैमिली के साथ जुड़िए आप भी,
और सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को, मैं भी आप ही की तरह हूँ, आप मेरी तरीके से हैं, तो वीडियोस को सपोर्ट करें, प्यार दीजिए, आपके सपोर्ट करने से ही मैं तभी आगे बढ़ पाऊंगी। और बहुत हिम्मत लगती है डेली व्लॉग को करना, डेली व्लॉग को अपलोड करना, एडिट करना और शूट करना और हर चीज सोचना करना, मतलब बहुत हिम्मत लगती है। हैट्स ऑफ है जो जो डेली व्लॉग करते हैं, और उसमें से एक टारगेट मैंने ये सेट किया कि मैं भी डेली व्लॉग करूंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, फिर से वही बोलूंगी। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। I'm gonna go get some more.